हमारे पुणे। बहुत दिन पहले एक बार मैं सेठ जी के पास में बैठा हुआ था, तो शायद सेठ जी की वो बात याद नहीं रही होगी, पर मेरे वो आज तक याद है कि हम जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारा एक ख्वाब है कि ये बच्चे ऐसे हों कि ना तो ये दीनी मामले में पीछे रहे, ना ही ये दुनियावी तालीम में पीछे रहे। एक एग्जाम्पल सेठ जी ने मुझे दिया था कि भाई हमारे मदरसे के बच्चे ऐसे ना हों कि वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और वो दूसरे आदमी से पूछते हुए फिर रहे हैं कि जी ये ट्रेन मुझे कहाँ मिलेगी, ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि लोगों के दिलों में एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। मैं देखता हूँ कि हमारे मदरसे के उलामा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जिस कदर मदरसे के बच्चे मेहनत करते हैं, अगर इतनी मेहनत कोई बच्चा दुनियावी तालीम में करे तो वो किसी डीएम से और किसी बड़े अधिकारी से कम पोस्ट पे नहीं जाएगा जितनी ये मेहनत करते हैं। लेकिन क्या है, ये ख्वाब था, सेठ जी ने मुझे बताया था कि हमारी नस्ल ऐसी हो कि वो किसी भी फील्ड में जाकर खड़े हो जाएं, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं ये किस कौम के बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने जो है तालीम में, दीनी तालीम में इतना वो हो जाए कि दूसरे लोग हमें ये कहने लगे कि इन्हें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बेवकूफ है। हमें दीन के साथ साथ में दुनिया की भी फिक्र करनी है, दुनिया के साथ साथ में दीन की भी फिक्र करनी है। एक दिन सेठ जी कह रहे थे कि हम मेवात में गश्त कर रहे थे, तो एक आदमी के यहाँ हमने आवाज लगाई, तो क्या उसने अपने बेटे को हमारे साथ में कर दिया कि जी ये मेरा बच्चा है और ये आपके साथ में गश्त कराएगा। तो वहां जब उसने वो लेकर मस्जिद में आ रहे थे, तो उससे एक सवाल किया गया कि भाई हमारा कलमा क्या है, और वो बच्चा बीए सेकेंड ईयर में या बीएससी सेकेंड ईयर का बच्चा था, वो मुसलमान का बच्चा था। उससे पूछा गया कि भाई हमारा कलमा क्या है, तो इतने अफसोस की बात है कि उस बच्चे से ये नहीं बताया गया कि हमारा कलमा क्या है। तो इसलिए जितने आपके उस्ताद आप पे मेहनत करते हैं, मैं उनकी दाद देता हूं, आप बहुत मन लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें। और मैं मुबारकबाद दूंगा मौलाना इफ्तिखार साहब का कि वो इतने जद्दोजहद से, इसकी कोशिश से इस मदरसे को चला रहे हैं। तो बच्चों, जैसे भी हमारे साथियों ने बताया कि भाई इस मुल्क का जो भी संवैधानिक दिवस है उसे हम पूरे जोर से, पूरी खुशी के साथ में मनाएं, ताकि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं। और हमें मनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। यहां तक सुना है कि 66,000 जो है उलमा शहीद किए गए। तो इस मुल्क को बचाने में जैसे हमारे उलमा ने जद्दोजहद की है, अब उसकी जिम्मेदारी हम है कि इस मुल्क को हम कैसे बचाएं। तो बस मेरी बच्चों आपसे यही दरखास्त है कि आप खूब मन लगाकर पढ़ो और इस मुल्क के लिए जितना कुछ कर सकते हो कर गुजरो। ये हमारा अपना मुल्क है, बाकी जो है।